तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंसान का लाइफ में कभी भी कहीं भी लग सकता है, जैसे कि मेरा आज लग गया। तो आज दोपहर के 2 बजे मैं बस पकड़कर अपने घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर जाता हूँ एक काम से। मैं अनजान था कि आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है आज के दिन में। मैं काफ़ी खुशी बस में बैठता हूँ। जब कंडक्टर भाई साहब मुझसे पैसे मांगते हैं तो मेरे पास 20 का नोट होता है। मैं उन्हें देता हूँ पैसा काटने के लिए, लेकिन वो पैसा फटा हुआ निकलता है और मैं अपना पर्स घर पे भूल जाता हूँ। पता है अभी क्या हुआ है? मैं पर्स लाना भूल गया और मेरे साथ ना लंबा सा ट्रेजेडी हो रहा है आज। लाइक मैंने बस वाले को 20 का नोट दिया तो वो नोट फटा हुआ निकल गया, तो बस वाला ने नोट नहीं लिया। मैं बोला ठीक है आपको दे रहे हैं पैसा रुपये। जब मैं बैग चेक किया तो बैग में पैसा ही नहीं था, यानी कि पैसा था ही नहीं, मैं पर्स लाना भूल गया था। उसके बाद मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, 5 किलोमीटर है, तो मैं सोचा कि पैदल ही डिस्टेंस कवर कर लूँगा। ये रास्ता है, हाईवे टाइप का है जो कि वेस्ट बंगाल से बाहर निकलता है। अब मेरे पास पैसा है नहीं, 20 का नोट है लेकिन वो फटा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे अब खुद से नहीं दूंगा यार। एक जान पहचान का इंसान है मेरा, वो मेरे हेल्प कर सकता है, लेकिन मैं उसके घर जाऊँगा नहीं, क्योंकि दूसरों से पैसा मांगना ख़राब लगता है। मेरे सामने कुछ ऐसा सा नज़ारा है यहाँ पे, ये बड़ा सा हॉस्पिटल है और कुछ ऐसा नज़ारा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है जो मैं पैदल ही कर लूँगा। तो अभी ना पीछे आ रहा था मैं तो एक होटल देखा, होटल में लोग खाने खा रहे थे और मुझे काफ़ी जोर की भूख लगी थी, तो पैसा तो है नहीं तो खा नहीं पाए, बट काफ़ी जोड़ों की भूख लगी है यार। और ये रास्ता है और 3 किलोमीटर बचा, 2 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। लाइफ में ना ये भी ट्रेजेडी आता ही है, इसे भी इंजॉय कर रहे हैं और क्या। और मेरे सामने कुछ ऐसा नज़ारा है, मुझे काफ़ी जोड़ों की भूख लगी है यार। कैसा कैसा दिन होता है ना दुनिया में, इसलिए बोलते लाइफ आपको बनाती है कि आपको पता नहीं होता कि अगला समय आपके साथ क्या होगा। यही लाइफ को लाइक अच्छा बनाती है। ये एक चेकिंग पोस्ट आया हुआ है हाईवे के ऊपर में, कुछ समय पहले यहाँ पे गाड़ी की चेकिंग पोस्ट हो रही थी। भूख लगी है यार, भूख लगी है काफ़ी जोड़ों की। तो अभी चलते चलते मैं कुछ ऐसा जगह पे आ चुका हूँ, ऊपर में रेलवे ट्रैक है और इस साइड में एक ब्रिज है और ये सीधा रास्ता बाली ब्रिज पर लेकर चला जाएगा। सामने का लड़का आ रहा है जो कि शंकर जी का भेष बनाया हुआ है, आपने देखा ना। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग मांगने के लिए अपने भगवान का यूज़ क्यों करते हैं। इतना अच्छा शरीर है, कुछ काम भी कर ही सकता था वो, बट उसे नहीं करना है। और सामने बाली ब्रिज, कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है मुझे अभी बाली ब्रिज से। एक बात नोटिस कर रहे हैं, ये जो सूर्य का लालिमा है ना, जब पानी के नीचे पड़ रहा है ना, तो कितना अच्छा दिख रहा है, लाइक गोल्डन साइन का। तो अभी मैं ब्रिज के ऊपर में हूँ और सूर्य का लालिमा मेरे फेस पर पड़ रही है, तो थोड़ा ग्लो आ रहा होगा। मुझे क्या लगता है पता है, हर चीज़ को ना इंसान दो तरीके से सोच सकता है। जैसे मुझको ही ले लीजिए, आज जब मेरा पर्स दुकान में छूट गया तो मैं बैठ कर रो सकता था, सोचा था भाई मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, लाइक क्यों हो रहा है, मैं कैसे घर जाऊंगा, रोने लगूंगा बैठ के। मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो बैठ कर रोऊँ या तो फिर चले। तो मैंने पॉजिटिव रहना है उसी समझा और चला, फिर रोके कोई फ़ायदा नहीं है भाई, चलना पड़ेगा अपने को, चला। सेकेंडरी ऑप्शन था कि मैं किसी से लिफ्ट मांग सकता था, लेकिन नहीं यार, लिफ्ट होने में वो मज़ा नहीं आता जितना पैदल चलने में आ रहा है। तो काफ़ी जोड़ों की भूख लगी थी, तो अकाउंट से कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके मियो मोर से एक चिकन पेटीज़ खरीदा हूँ, तो अभी इसे खाऊँगा। तो अभी
एक कस्टमर को माल लेकर जा रहा था तो वहीं बैठा हुआ हूँ यार। आज का दिन काफ़ी ख़राब है यार, मैं जितना सोच सकता हूँ ना उससे ज़्यादा ख़राब है। मेरा वॉलेट भी जो सोच रहा था कि दुकान पर होगा, दुकान पर भी नहीं है, यानी कि वॉलेट भी गुम हो गया। वॉलेट गुम हो गया, उसमें जो पैसा था वो मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता कि उसमें मेरा ATM कार्ड था और वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक महीना पहले ATM कार्ड बनवाया था SBI का, वो भी गया। तो आज का दिन यार पूरा बेकार जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा जा रहा है मेरा आज का दिन। मैं चाहता हूँ कि आज का दिन मेरा जल्दी ख़त्म हो जाए। ऐसा ऐसा जगह है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अभी रात के बज रहे 10, भाई दुकान पर है, कुछ समय बाद भाई दुकान बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब लाइव का लगता है तो काफ़ी अच्छे से लगता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।